गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ करंट अफेयर। मेरा नाम है शशांत और मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसमें क्या करना है, आप लोग करंट अफेयर आरआरबी या किसी भी बड़े कॉम्पिटिशन लेवल के लिए आपको करंट अफेयर के क्या कराएंगे, आपको प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए आपको कोई अच्छा बेस्ट टीचर चाहिए तो वो मैं हूँ। और आप लोग जैसे कि बहुविकल्पी में कहीं ना कहीं पढ़ते हो गए, चार विकल्प मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आप लोग को पूरा विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि आपको पेपर में कभी भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को ना हो। ठीक है, इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। ठीक है, 49वें न्यायाधीश देश के 49वें न्यायाधीश कौन बने, यू ललित बने, कौन से अपने देश के 49वें न्यायाधीश। ठीक है, क्या बने, मुख्य न्यायाधीश होते ना जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते ना, उनकी क्या हुए, उन न्यायाधीशों में क्या हुए, यू ललित क्या हुए, शामिल हुए। ठीक है, और ये किसका स्थान लेंगे, ठीक है, ये लेंगे एन वी रमण, न्यायाधीश एन वी रमण का क्या लेंगे, स्थान लेंगे, जो 26 अगस्त 2022 को क्या हो रहे हैं, अपनी सेवा से मुक्त हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अपनी सेवा से मुक्त हो रहे हैं। तो इसके स्थान पर कौन होंगे, ये 49वें न्यायाधीश यू ललित बनेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक साल से कम का भी क्या रहेगा, इनका कार्यकाल रहेगा, इस चीज़ को बताया गया, मगर आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई कि इनका कार्यकाल कितने दिनों का रहेगा। ठीक है, और इनके बारे में आप लोगों को और चीज़ बताई जाए, ये देश के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ये देश के होंगे। ठीक है, ये किसके न्यायाधीश बने, 49वें न्यायाधीश को उसके देश के बने, ये आपको सबसे बड़ी वो है इसमें, देश के न्यायाधीश। ठीक है, देश के लिए क्या करेंगे, ये न्यायालय में भाग लेंगे। ठीक है, मतलब न्याय प्रक्रिया में क्या करेंगे, एक न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे देश के लिए सिर्फ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है जरूरी। ১৯৩১ में CJI के रूप में भी क्या हुए थे, नियुक्त हुए थे, कौन, ललित, यू ललित क्या हुए थे 1931 में CJI के रूप में क्या हुए थे, ललित एक क्या हुए थे, CJI क्या है, एक वकील के रूप में क्या हुए थे, नियुक्त हुए थे। ठीक है, इनको बताया कि एक वकील के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, और 13वें वकील के रूप में क्या हुए थे, नियुक्त हुए थे। ठीक है, तब से क्या कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं अपने देश को, और ये वकील से या वकालत से सीधे जज बने, कहां के, सुप्रीम कोर्ट के, और ऐसा करने वाले सेकंड व्यक्ति, इनसे पहले एक व्यक्ति और थे जो क्या बने थे, सीधे जज बने थे वकालत से, और ये अब दूसरे व्यक्ति हैं जिनको सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो कब बने थे सुप्रीम कोर्ट के जज, ये बने थे 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, मगर अब क्या बन गए थे, 49वें देश के न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है, ये देश के लिए क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे सुप्रीम कोर्ट में, अपना योगदान को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, और अपना योगदान देश के लिए देंगे। ठीक है, देश की वकालत करेंगे ये। ठीक है, इसमें और कोई पॉइंट नहीं है अपने पास, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आने वाली वीडियो को भी इस टाइप से देखने के लिए सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट की वीडियो भी चल रही है इसको शाम की वाली क्लासेस में। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्या किया गया? 12 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। मतलब आप लोग युवा हो तो आप लोगों के लिए इस दिवस को मनाया गया है, तो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारी तरफ से ऐसा लगता है, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद ही क्या था ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पड़ा है, तो हमें लगता है कि बहुत लोगों युवाओं ने एंजॉय किया होगा। इस युवा दिवस में क्या क्या चीज़ बताई गई है, इसका उद्देश्य? ठीक है, क्या था? वैश्विक मुद्दों से निपटना और सतत सतत विकास के लिए सहायता, सतत विकास के लिए। सतत विकास के लिए योगदान। सतत विकास मतलब जैसे कि आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में जो युवा हैं प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट में से पूरी पब्लिक का 2% ही, मतलब क्या, समथिंग समथिंग 2%, 1% का आधा भाग समझ लीजिए, 1% युवा क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो ओल्ड एज भी हैं युवा भी, मतलब उसमें से मतलब 10-15-20 हज़ार मान के छोड़ दिए, ठीक है। तो उसको छोड़कर अपन लोग क्या करते हैं, सीधे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के क्या, सतत विकास के लिए योगदान तथा उनके वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए, जैसे कि वैश्विक मुद्दों से निपटना, जैसे कि आपकी किसी कंपनी या कोई भी नई चीज़ खुल रही है, ठीक है, अब उसको चलाने के लिए युवाओं की आवश्यकता है, तो युवाओं के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, वहाँ के युवा खुद ही क्या करते हैं, स्वतः ही उसमें भर्ती हो जाते हैं और उसको कंपनी को चलाने में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। इसके लिए क्या रखा गया, वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए, इसी चीज़ के लिए रखा गया वैश्विक मुद्दा। और जैसे कि कभी फौजियों के लिए भी है, जिसमें वैश्विक मुद्दे के रूप में फौजी के रूप में भी आएगा, और देश की सुरक्षाओं के लिए भी क्या किया गया है, वैश्विक मुद्दे को चुना गया। तो युवाओं के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब इसको कब मनाया गया, कैसे पहली बार इसको किसने नियुक्त किया, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था कि हम क्या करेंगे आज, मतलब 12 अगस्त को क्या मनाएंगे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। इसको किसने बताया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस चीज को बताया था। इसके बाद इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया, इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया 12 अगस्त 2000 को, क्या किया गया, इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया। तो आज समझ लीजिए, आज कितनी बार मना रहे हैं आप, 2000 को पहली बार मनाया गया, 2001 को दूसरी बार, 2002 को तीसरी बार, तो 2022 को कौन सी बार, 23वीं बार मना रहे हो आप, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, कितनी बार बना रहे हो, 23वीं बार बना रहे हो। अब आप कहोगे कि इसको मना रहे हैं तो इसका कोई ना कोई थीम होगा, है ना, इसका थीम भी बताया गया आपको, एक थीम बताते हैं इसका, जो इस साल का थीम था, ठीक है, या थीम है, ठीक है।
इसका मतलब भी आप लोगों को बताएंगे क्या इसका इस साल का क्या थीम रखा, इंटर जनरेशन जनरेशनल सॉलिड आर्टरी क्रिएट अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि इंटर जनरेशनल मतलब कि आने वाली जनरेशन, इंटर मतलब आंतरिक जनरेशन, सॉलिड आर्टरी क्रिएट अ वर्ल्ड मतलब सॉलिड मतलब सॉलिड तरीके से क्या कर रहे हैं, एक वर्ल्ड का क्या कर रहे हैं विकास, या मतलब एक वर्ल्ड को क्या किया है मजबूत तौर पर बांधे रखा है और इसके विकास में सतत योगदान दे रहे हैं। मतलब छोटे छोटे शब्दों का बहुत बड़ा बड़ा अर्थ होता है, ठीक है। और फॉर ऑल एजेस और सभी आयु के लिए, मतलब कि सभी आयु का क्या है योगदान है पूरे वर्ल्ड के सॉलिड आर्टरी क्रिएशन, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से सतत विकास के रूप में चलाने में, और सभी एजेस के लोगों का हर तरीके से क्या है यूजेस है, मतलब यूज़ क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें ओल्ड एज जो होगा वो क्या होगा मैनेजर होगा या इस टाइप के पद पर होगा जो विशेषकर कुछ मतलब जिसमें महत्वपूर्ण पद होते हैं उस पर होगा। अभी जो यंग आया तो उसको क्या करेंगे वर्कर के रूप में, अब एकदम से बताइए उसको एकदम मैनेजर बना दिया जाएगा तो कंपनी संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। तो इसी चीज़ के लिए क्या किया गया है, जो ओल्ड एज मतलब धीरे धीरे क्या होता है जो सीख चुका होता है काम उसकी पेमेंट भी बढ़ा देते हैं, उसको एक मैनेजर के एक ऐसे पद दे देते हैं जिस पर वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस एजेस के लिए उसको वहाँ पर रख देते हैं जिससे कि और वो कंपनी को देख सके, उसको अनुभव से क्या कर सके कंपनी को चला सके, ठीक है स्टूडेंट। और खेल जगत के लिए एक सबसे बड़ी आप लोगों के लिए न्यूज़ है तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, और भी एक अच्छा टॉपिक है खेल जगत के। उत्तर पूर्वी ओलंपिक का कौन सा, उत्तर पूर्वी ओलंपिक के दूसरे संस्करण का क्या करेगा संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, मेघालय करेगा। उत्तर पूर्वी मतलब कि भारत इस टाइप से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर पूर्वी क्या हुआ, यह हुआ ना इस टाइप इस साइड हुआ ना उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओलंपिक का दूसरा संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, मेघालय करेगा। इस चीज़ की ऑफिशियल रूप से क्या की गई है जानकारी दी गई है, ठीक है। इसके तहत यह कब से स्टार्ट करेगा, ये करेगा तीस अक्टूबर से 9 नवंबर तक, मतलब कि 11 दिन करेगा इस चीज़ का स्टार्ट करेगा 9 नवंबर पर, तो देखिए 9 दिन ये अक्टूबर 30 31 ठीक है, तो क्या हुए 11 दिन हो गए हैं, ठीक है, इसमें कितने हुए 11 दिन हो गए। अब आप कहोगे इसमें दूसरा संस्करण क्या किया, मेजबानी कौन कर रहा है, मेघालय कर रहा है, तो पहले संस्करण की मेजबानी किसने की, ठीक है, पहले संस्करण की मेजबानी की किसने मणिपुर में, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत 12 खेलों में 4000 प्रतियोगी थे, और ये कहाँ खेला गया, Thank you.
पहले क्या हुआ था, 12 खेलों में कितने 4,000 प्रतिभागी शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ, खेलों की संख्या को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। और ये कहाँ पे, शिलांग, शिलांग के मतलब मणिपुर के शिलांग के 13 स्थानों पर 18 खेलों में क्या रखी, प्रतिस्पर्धा रखी, जिससे कि खिलाड़ियों में क्या हुआ, उत्साह देखते हुए सरकार ने इसका दूसरा संस्करण ही क्या कर दिया गया, जल्दी ला दिया गया। उसके दूसरे संस्करण को क्या कर दिया गया, बहुत जल्दी ला दिया गया। सरकार ने बोला कि हमारे युवा खेलना चाहते हैं तो इनके खेल, इस खेल को देखते हुए इनकी एनर्जी को वेस्ट ना जाते हुए इनकी एनर्जी का उपयोग किया जाए और इनको एक अच्छे ओलंपिक के रूप में क्या किया जाए, निकाला जाए। इसलिए सरकार ने इसको पहला संस्करण निकाला और अब दूसरा संस्करण निकाल दिया। आने वाले समय में और भी इसके क्या होंगे, संस्करण के रूप में खिलाड़ी क्या करेंगे, भाग लेंगे। अब आप कहोगे मणिपुर के CM कौन है, क्यों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के अधिकारियों की क्या जानकारी है, ठीक है, ये भी तो होना चाहिए। यहाँ के CM का क्या नाम है, कोनराड संगमा, कोनराड संगमा क्या है, यहाँ के CM है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, ये दोनों क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी पूछ लिया जाएगा कि इस खेल जगत दूसरा संस्करण हुआ था तो यहाँ के किस राज, कौन से राज्यपाल थे जो यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, यहाँ के राज्यपाल कौन है, कहाँ के बता रहे हैं, मेघालय के बता रहे हैं अभी, जहाँ पे कौन सा दूसरा संस्करण हो रहा है, ठीक है। CM भी मेघालय के हैं और राज्यपाल भी मेघालय के, क्या नाम है इनका, सत्यपाल मलिक। इनका याद करने का भी आप लोगों को तरीका बता दिया जाएगा। देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि मलिक सर थे, उन्होंने किससे संग ठीक है, मलिकपुर थे, मलिक मलिक थे जो, ठीक है, उन्होंने किससे, कोनराड से कहा कि हम क्या करेंगे दूसरा संस्करण करेंगे। किससे कहेंगे, मलिक ने कहा कोनराड से कि हम क्या करेंगे दूसरा संस्करण मेघालय में करेंगे, ठीक है, इतना याद रखोगे। और कहाँ पे करेंगे, 30 अक्टूबर को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 30 अक्टूबर को मलिक ने कोनराड या संगमा, या संगमा से कहा कि हम करेंगे दूसरा संस्करण, किसका, ओलंपिक का दूसरा संस्करण करेंगे। एक लाइन में क्या हुआ, आपको राज्यपाल और CM याद हो गए और एक क्या हुआ, एक पूरी लाइन तैयार हो गई जिससे आप लोग पूरा पॉइंट याद कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग बताइए, शॉर्ट फॉर्म में मैं बना के आप लोगों को भेज दूंगा, अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करोगे इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर। अब चलते हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर कौन बने, ऋषभ पंत क्या बने, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया इनको, किसको चुना गया, ऋषभ पंत, जो क्या थे इंडिया टीम के क्या हैं, क्रिकेटर के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, एक गोलकीपर के रूप में क्या करते हैं, इंडिया टीम में हैं, ठीक है, इंडिया टीम में अपना स्थान बनाए हुए हैं। अब इनके बारे में बताते हैं कि इन्हीं को क्यों चुना गया। ऋषभ पंत का जन्म हरिद्वार के जिले रुड़की में क्या हुआ था, ऋषभ पंत का जन्म हुआ था, मतलब कि एक तरीके से ये उत्तराखंड के ही क्या है, निवासी हैं, जिनको क्या किया गया, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और ये कहाँ के, हरिद्वार के जिले रुड़की के क्या थे, ये जन्म जन्म लिया था,
ठीक है। ठीक है, इंडिया क्रिकेट टीम में क्या है, ये गोलकीपर के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और इनोकई द्वारा इस साल आईपीएल में ठीक है, इस साल क्या रहे आईपीएल के दिल्ली कैपिटल के क्या रहे कप्तान रहे, किसमें आईपीएल में किसमें दिल्ली कैपिटल के क्या रहे कप्तान के रूप में क्या किया जाता है, इन्हें जाना जाता है और इनके कप्तान के रूप में इन्होंने अपनी कप्तानी की। ठीक है, इस चीज़ का हो गया। और आप इनको बनाया किसने, इनको बनाया वहाँ के सीएम द्वारा, पुष्कर सिंह धामी ने कब 11 अगस्त को इनको बनाया गया वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ की कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो ग्रीष्म और शीत में क्या हो जाती है अलग अलग चेंज हो जाती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, नहीं तो आप लिखाओ देहरादून कैपिटल। गैरसैंण कैपिटल है ग्रीष्म काल की, गैरसैंण और शीतकाल की कौन सी है, देहरादून। तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों कैपिटल को याद रखना है, शीतकाल की याद रखना है देहरादून, ग्रीष्म काल की याद रखना है गैरसैंण। मतलब शीतकाल की देहरादून तो आपको परमानेंट याद रहेगी, ग्रीष्म काल की गैरसैंण क्या है यहाँ की कैपिटल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोग क्या करना है याद करना है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है पुष्कर सिंह, क्या है धामी, यहाँ के सीएम के रूप में जाने जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार दो बार वीडियो को रिवाइज़ करोगे आप लोग को याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट ये है कि आप लोगों का सपोर्टेबल पूरा है रहेगा अगर हमारे ऊपर, तो इसमें आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन हम आपको हफ्ते में एक या दो वीडियो आपको देते रहेंगे अगर इसमें आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं सी फूड पर। ठीक है, किस पर, सी फूड समुद्री खाना। क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री रूपाला, क्या नाम, पूरा नाम क्या है इनका, पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या किया, फिश एंड सी फूड पुस्तक का क्या किया, विमोचन किया। अब आप कहोगे इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या है कि इसका इन्होंने विमोचन किया, कौन सी पुस्तक है, फिश एंड सी फूड पुस्तक, इसका पूरा नाम अभी आपको नीचे बताते हैं। ठीक है, कहाँ पर किया इन्होंने,
न्यू दिल्ली में 10 अगस्त को क्या किया, इस चीज का इन्होंने विमोचन किया, इस पुस्तक का क्या किया इन्होंने विमोचन किया। इसका पूरा नाम क्या है देखिए, किसका किया इन्होंने, फिश एंड सी फूड अ कलेक्शन ऑफ 70 ग्रोमीट रेसिपीज, मतलब कि 75 रेसिपीज का इन्होंने एक पुस्तक में क्या दिया, कलेक्शन दिया, जिसका क्या रखा है इन्होंने फिश एंड सी फूड। इसमें क्या हुआ, इस पुस्तक का विमोचन क्यों किया गया, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य, स्थानीय मछली प्लस समुद्री मछली तथा भोजन, समुद्री भोजन की घरेलू खपत को बढ़ाना। क्या चला गया आँख में, क्या इसका उद्देश्य, स्थानीय मछली, समुद्री मछली और समुद्री भोजन की घरेलू खपत को बढ़ाना। मतलब कि देखिए बंगाल साइड क्या होता है, और भी बंगाल मद्रास साइड यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग सूखी मछली या समुद्री मछली क्या करते हैं, खाने के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसके देखते हुए सरकार ने क्या हुआ, मत्स्य विभाग या मछली विभाग, इसको बताया गया। इन विभाग ने कहा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इस चीज़ की थोड़ी कमी हो रही है, देश में लोगों को जागरूक कीजिए। तो सरकार ने कहा कि हम एक काम करते हैं, लोगों को इस टाइप से जागरूक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इसके साथ क्या होगा, हम इतनी रेसिपी देंगे जिससे क्या होगा, समुद्री मछली और समुद्री भोजन का यूज़ इसमें किया जाएगा, जिससे कि लोग क्या होंगे, इसको थोड़ा बनाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होगा, इस चीज़ को बनाया जाएगा और आने वाले समय में ये घर घर पर बनाया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, इस पुस्तक का विमोचन किया, जिसके साथ भारत के लोगों को इस समुद्री खाने के बारे में जागरूक कराया गया। और इन्होंने इसका उद्देश्य रखा है कि आने वाले समय में समुद्री खाने का क्या होगा, सबसे ज़्यादा घरेलू खपत बढ़ाई आएगी और इससे क्या होगा, उद्योग को भी क्या बोलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और हमारे देश में जो सब्जी वगैरह महंगी हो जाती है, तो इसके ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा कंट्रोल होगा, तो सर इसकी खपत क्या होगी, कम होगी, जिससे कि सरकार को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, और समुद्री खाने पे ज़्यादा खपत बढ़ेगी तो इससे सरकार को और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सी फूड अपने यहाँ बहुत है। ठीक है, सी फूड बहुत इससे मतलब कम चार्ज पे क्या होता है, आ जाता है, अभी बहुत महंगा आता है। ठीक है, मगर आप मंगाओगे ज़्यादा, अगर इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इस पर चार्जेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, भैया, मम्मी, मम्मी।
क्या किया अडानी ग्रुप ने, ठीक है, हमारे यहाँ जो क्या है अडानी ग्रुप है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओडिशा में एल्यूमिनियम रिफाइनरी का प्रस्ताव रखा। इन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की रिफाइनरी ओडिशा में बनाना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है एक आप लोगों को कि ये वहीं पर क्यों बनाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ठीक है, इसमें ओडिशा में आधे से अधिक भारत का क्या होता है, बॉक्साइट पाया जाता है। तो एक बार बताइए, जब फैक्ट्री वहीं पे, रिफाइनरी वहीं पे होगी, तो हमें इसका एक्स्ट्रा खर्च क्यों देंगे वो, कि वहाँ से लाए बॉक्साइट, टोल टैक्स, ये टैक्स, वो, मतलब जीएसटी देते हुए फिर पेट्रोल की बर्बादी है ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला अडानी ग्रुप ने कि क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं वहीं पे, क्या करते हैं इस रिफाइनरी को क्या कर देते हैं, बना देते हैं एक रिफाइनरी वहाँ पे बना दे, जिससे कि हमें क्या हो सके, वहाँ पे फ़ायदा हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि वहीं पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा भारत का आधे से अधिक क्या होता है, बॉक्साइट पाया जाता है। तो वहाँ से लाए, थोड़ा सा खर्चा लगा थोड़ा सा, और वहाँ पे रिफाइनरी रिफाइन होके वो उसका मटेरियल बन गया, और क्या होगा, देश में सप्लाई हो गया। अब वहाँ से देखने, जैसे दूसरे राज्य में वहाँ से लाए उठा के, फिर दूसरे राज्य में गए, फिर वहाँ से टैक्स दिया, फिर स्टेट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स देने के बाद जब वो रिफाइन, तो कितना महंगा हो गया ना। तो इस चीज़ के लिए अडानी ग्रुप ने क्या किया, इस चीज़ का सरकार के ऊपर प्रस्ताव रखा गया। और इसके साथ ही बताया गया कि इनका एक और रिफाइनरी है, ये पहली वाली फर्स्ट रिफाइनरी कहाँ पे, राय गढ़ जिले के काशीपुर में क्या इनकी एक और एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री है, कहाँ पे, रायगढ़ जिले के काशीपुर में। तो यहाँ पे बहुत दूर पड़ जाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, हम एक और फैक्ट्री वहाँ डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे भी सप्लाई होगा, वहाँ पे भी सप्लाई होगा। ठीक है, वहाँ पे सस्ता बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे, वहाँ पे भी बनाएंगे बहुत अच्छी क्वालिटी का, यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी का बनाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी। वो कहाँ होगा, वो बाहर सप्लाई करने के लिए, और ये देश में सप्लाई करने के लिए, या जैसे कि देश की खपत होगी, उस टाइप से क्या किया जाएगा, इन रिफाइनरी को सेट किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर रहेगी एल्यूमिनियम की एक रिफाइनरी, तो ज़्यादा जल्दी बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बनेगा, यहाँ पे पास में दूर जाएगा, आने में ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, ये देश के बीच में रहेगा, और वो देश के एक साइड में किनारे, तो वहाँ से आसपास के जो राज्य होंगे जिनको ज़्यादा रिफाइन एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ती है और कम दामों में, तो वो वहाँ से रिफाइनरी से क्या होगा, एल्यूमिनियम रिफाइन होगा, एल्यूमिनियम का कुछ जो भी मटेरियल बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, वो उन राज्यों में भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही, और यह जो रिफाइनरी ओडिशा में बनेगी, इसको बताया गया कि ये 4 मिलियन टन प्रति बस क्या करेगी, रिफाइन करेगी एल्यूमिनियम को। और इसके साथ ही 10 औद्योगिक परियोजनाओं को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया। अब आप कहोगे कि इसकी पूरे की लागत कितनी होगी, इसकी पूरे की लागत होगी 74,620.18 करोड़ रुपए क्या होगी, 10 परियोजनाएं, 10 औद्योगिक परियोजनाएं और एल्यूमिनियम रिफाइनरी का प्रस्ताव में क्या होगा, खर्च होगा। इसके साथ ही इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत 41,653 करोड़ रुपए किस पे खर्च होगा? ओनली ये होगा एल्यूमिनियम रिफाइनिंग, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, बाहर से विदेश से मंगाना पड़ेगा, इसके लिए जगह खरीदनी पड़ेगी, इसके लिए वर्कर रखने पड़ेंगे, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में चाहिए, पूरा एक साल तो इसमें पूरा मतलब बनाने बनाने में क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा इतना, और इतना पैसा दे रही है कंपनी तो इसकी रिफाइनरी बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी, कम से कम 15-20 हज़ार आदमियों क्या होगा इसमें रोज़गार के रूप में क्या करेगा काम किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसके तहत अब रिफाइनरी में ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार दे देगी बिजली कि भैया लो हमसे बिजली ले लो, ऐसा नहीं है। रिफाइनरी में क्या होगा, ये अपनी खुद की ही बिजली बनाएंगे, ठीक है। 175 मेगावाट कैपी कैपेसिटिव प्लांट भी इस रिफाइनरी के पैसे में ही शामिल है। कैपेसिटिव प्लांट पावर प्लांट आप समझे, कैपेसिटिव पावर प्लांट में क्या होता है, इसमें कभी पावर डाउन नहीं होती, कैपेसिटिव कैपेसिटर होता है ना, तो उनसे क्या होता है कि पावर को अप किया जाता है। जैसे अगर 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट आ रही है एक वायर में, तो उसमें 1000 ही वोल्ट होगी, अगर वैसे गिरा तो कैपेसिटर लगा के उस पावर को बढ़ा दिया गया 1000 to 1000, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होता है कैपेसिटर, इसके अंदर एक दो परिचालक बैठे होते हैं जो क्या करते हैं इसको सेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम और डे टू डे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा देखिए 175 मेगावाट का कैपेसिटी इनका खुद का रिफाइनरी में होगा तो ये बताइए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, नहीं पड़ेगी ना, किसी भी जनरेशन या किसी भी प्लांट पर असर नहीं पड़ेगा, इनका खुद का जनरेशन प्लांट होगा, खुद की क्या करेंगे ये ऊर्जा बनाएंगे, जिससे कि इन्हें किसी को पैसा या पैसा मतलब खर्च करने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ के लिए कितना करेगा ये 41,653, उसके अंतर्गत इस अगर 10 औद्योगिक परियोजनाओं और जुड़ जाए तो 74,620.18 करोड़ रुपए खर्च होगा स्टूडेंट। तो हमें लगता है कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप लोगों को स्टैटिक्स जीके के भी क्या मिल जाएंगे, इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही।